देख सकते हैं ये जो है ये बिल्कुल ख़राब, जो मतलब एक ख़राब स्पीकर हो जाता है और उसका जो जैक होता है यहाँ पे लगा होता है टूट जाता है, तो अक्सर सब लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इसको बचा कर रखा। मैंने सोचा इससे कुछ नया इन्वेंशन करेंगे, तो इससे हम नया एक स्पीकर बनाना है बिल्कुल अच्छा सा। तो गाइज अभी बनाएंगे, तो उसके अभी आपने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में देख ली होंगे क्या क्या हम यूज़ करने वाले, तो ऐसे आपको डायमेंशन काट लेने इजीली। तो अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं फटाफट, तो बिना टाइम वेस्ट करें। तो ये जो देख सकते हैं बैटरी का यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को मैं प्लस में लगा देता हूँ, आराम से सोल्डिंग कर देना हमें। तो ये मैं प्लस में सोल्डिंग कर दूँगा, तो मैं प्लस में सोल्डिंग कर दिया है। अब इसका माइनस में हमें सोल्डिंग कर देना होगा सिंपली, तो मैं माइनस में भी सोल्डिंग कर देता हूँ, ये कर दिया। अब हमारा रह गया स्पीकर का, तो स्पीकर का देख सकते हैं ये जो इसमें तो आपको थोड़ा थोड़ा रेड दिख रहे थे तो प्लस का है, और वाइट वाला बिल्कुल सफ़ेद वाला माइनस का है, तो इसके भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो ये प्लस का मैं प्लस में लगा देता हूँ और माइनस को माइनस में कर देता हूँ, तो देख सकते हैं हमारा हो गया। अब ये जो है यहाँ पे मैंने डाइवर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करके एक एलईडी लगाया है, ताकि हमारा चार्ज हो, तो ये चले कि तो हमें पता चल जाए कि हमारा बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है, मतलब स्पीकर चार्ज हो रहा है। तो अब हम ये जो प्लस और माइनस के देख रहे हैं, तो ये दोनों को मैं लगा देता हूँ यहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये प्लस के वहाँ पर प्लस लगा देता हूँ मैं, तो ये प्लस लगा देता हूँ। तो गाइज हमारा इसका वायरिंग ख़त्म हो गया है, अब इसको हमें सिंपली फिक्स कर लेना है, तो मैं फ़िक्स कर लेता हूँ अब इसको, तो इसको इस पर फिक्स कर लेना है। तो अब कर लेते हैं फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं फ़िक्स कर रहा हूँ इसमें, तो इसके लिए मैंने दो स्क्रू ड्राइवर्स का यूज़ करा है, तो आपको दिख जाएगा कि मैंने कहाँ यूज़ करा है। तो ये मैं फटाफट इसको फ़िक्स कर लेता हूँ, दो स्क्रू ड्राइवर्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इनको खोल लेता हूँ मैं। गाइस जब तक मैं इसको कस रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इसको फिक्स कर दिया और बटन्स भी लगा दिया, दो स्क्रू लगा के मैंने कर दिया है। तो ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं इसकी, तो कितनी आवाज़ आ रहा है। और ये जो है इसका पावर बटन है, और बी जो है इसे पॉज हो जाते हैं, और इसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होते हैं, और ये जो है ये दोबारा से SM मोड बोल रहा है, इसमें कंपनी का नाम बता रहे हैं, तो देख सकते हैं आप सुन सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा मतलब इसको मैंने स्पीकर से इसलिए निकाला है क्योंकि हमें इसके अंदर फिक्स करने के लिए पहले इसको ऊपर से फिक्स करना है, तो इसके तार अंदर आएंगे, तो इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ फटाफट से, और थोड़ा सा इसको सुपर ग्लू के हेल्प से मैं इसको चिपका दूँगा आराम से। तो मैं इसको सुपर ग्लू के हेल्प से चिपका लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ इसको, तो देख सकते हैं आप। तो ये मैं चिपका चुका हूँ, और इसको 4-5 सेकंड के लिए थोड़ा सा रोकते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो सेटअप है उसको करेंगे। तो उसके लिए अगले पड़ाव पे चलते हैं फिर हम। तो गाइस हम इसको सिंपली ये जो देख सकते हैं, तो ये जो है ये थोड़ा सा बाधा डाल रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम बन रहा हमारे बीच में, तो इसको हम काट देते हैं बिल्कुल, ये छपचा काट देते हैं। तो गाइस मैं इसको कट कर देता हूँ, देख सकते हैं ये भी मैंने ही बनाया है, लेकिन मैंने इसकी वीडियो अपलोड नहीं करी, इसको आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो गाइस ये हमारा कट चुका है, तो अब मैं इसको ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है, अब मैं इन जो दो हमारे होल्स दिख रहे हैं इनमें फ़िक्स कर दूंगा। तो मैं इसको फ़िक्स कर लेता हूँ इधर से, तो देख सकते हैं ये दो होल्स में फिक्स कर लेता हूँ मैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसकी पूरी मतलब वायरिंग कर दी है और इसको फिक्स भी कर दिया है। और यहाँ पे मैंने चार जो बटन पांच बटन्स लगाए थे वो देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो हमारा मतलब ये है वो चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक पेन ड्राइव का और एक USB लगा है यहाँ। और ये जो ईयरफोन के लिए है लगाया हूँ मैं। और यहाँ पर पीछे से भी बेस लगा दिया मैंने। अब सिंपल एक लास्ट बचा है ऊपर का जो बचा है, तो ऊपर का मैं फिक्स करने से पहले देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डायमेंशन इधर उधर हो गया है, तो इसको मैं फिनिशिंग करके पहले इसको सही करूँगा, फिर उसके बाद लास्ट में ऊपर से लगाएंगे, फिर हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद आपको म्यूजिक इसका सुनाऊँगा। इतना अच्छा वॉल्यूम आ रहा है कि आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो। तो मैं इसकी पहले फिनिशिंग वगैरह करके फिर ऊपर की लगाता हूँ। तो गाइस अब मैं इसके फटाफट फिनिशिंग कर लेता हूँ ये जो ऊपर का है, फिर उसके बाद लास्ट वाला ढक्कन लगाएंगे। तो गाइज मैंने कर दिया लास्ट ढक्कन लगा के, फिर इसको बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग करनी है। तो अब मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लूँगा। गाइज फाइनली ये बन के तैयार हो चुका है और इसे बनाने में हमें 2 से 3 घंटे लग चुके हैं। और अभी तो ये फाइनली इसे 5 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है। अभी ये चार्ज हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे LED शो कर रही है। और गाइज काफ़ी अच्छा बना है। गाइज मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं मेरा मतलब ब्लूटूथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं ब्लूटूथ ऑन कर चुका हूँ। और यहाँ पे ये TZ1 मतलब मेरा डिवाइस का नाम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 100% मेरा चार्ज दिखा रहा है। तो मैं इसको अभी चार्ज में भी लगाया है मैंने, तो ये हो रहा है हमारा चार्ज। तो सीधे चलते हैं, फिर आपको कुछ म्यूज़िक बजा के दिखाते हैं, इसकी वॉल्यूम चेक टेस्टिंग करते हैं हम। तो मैं यूट्यूब में आ चुका हूँ, नो कॉपीराइट सॉन्ग सर्च कर रहा हूँ। तो फटाफट करते हैं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ गया। और तो गाइस देख सकते हैं इसकी म्यूजिक टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं आपको। तो म्यूजिक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो इसकी पहले मैं वॉल्यूम फुल करता हूँ। तो इसकी वॉल्यूम मैंने फुल कर दी है और इसको मैं टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं। ये क्या हालत है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, आप सुन सकते हैं।